हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ये जंगल ब्यूटी क्वीन का खिताब जाता है मिस नैना को। शाबाश स्माइल मैडम, एक फोटो मेरे साथ भी हो जाए। Why not? Good. चलो अब बस बहुत हो गया, अब घर चलते हैं। अरे भाई यार, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी थोड़ा घूमेंगे और शेरवर की फोटो खींचेंगे, उसके बाद चलते हैं। वो शेर है बटेर नहीं जिसकी तुम फोटो खींचोगे। अरे तो हम कौन सा शेर से कम है भाई, हम भी तो बब्बर शेर हैं। ओ तो तुम बब्बर शेर हो। मैं तो आज तक तुम्हें इंसान ही समझती रही। चलो चले यहाँ से। शायद भगवान को भी तुम्हारी ये बात पसंद नहीं आई। चलो फटाफट निकलते हैं अभी यहाँ से, बारिश कहाँ से आ गई। चलो निकले यहाँ से। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है और बारिश में भीगना तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। कोई जरूरत नहीं है। हा? पिछली बार इतनी बारिश में भीगने की वजह से 3 दिन तक बुखार से तड़प रही थी, याद है ना? हाँ बाबा याद है। अभी बस यही खड़े रहो और जब ये बारिश होगी उसके बाद ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है? तुम ना बस चुप रहो। ये लाल रंग का पानी कहाँ से आ रहा है? पानी नहीं है ना, पर है क्या ये? और इतना सारा लाल रंग कहाँ से आ रहा है? ये रंग नहीं है ना, ये खून है। खून? हाँ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है करण। हमारे कपड़े भी सब खून से भीग गए हैं। किसका खून है ये? मुझे लगता है कि हमें सीआईडी को फौरन फोन करना चाहिए। आप लोगों ने फोन किया था? यस सर, मैं करण हूँ और ये नैना। सर बारिश से बचने के लिए हम उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो गए और अचानक से उस पेड़ से खून गिरने लगा और हमारे कपड़ों की ये हालत हो गई। ये इतना सारा खून इस पेड़ पे से गिरा? हाँ सर। जब आप लोग यहाँ पेड़ के पास आए तभी किसी को यहाँ से भागते हुए देखा, कोई था आसपास में? नहीं सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं था। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी? नहीं, हमने किसी के चीखने की आवाज नहीं सुनी। ये जंगल तो पूरा वीरान है, हम बहुत डर गए थे इसलिए हमने आपको फोन किया। अखिल सर, कुछ मिला ऊपर? नहीं सर, खून के कुछ धब्बे हैं, बाकी ऐसा लग रहा है बारिश में धुल गया सर। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहीं से तो आया होगा। सर ये भी तो हो सकता है कि खून किसी जंगली जानवर या पंछी का हो। पंकज, खून के सैंपल्स उठाओ और फॉरेंसिक लैब भेज दो, पता तो चले कि खून है किसका। ठीक है। आसपास जंगल को अच्छी तरह से चेक करते हैं, तो जरूर यहाँ पे कुछ हुआ है। सर अगर बारिश नहीं हुई होती तो पता ही नहीं चलता कि पेड़ पे खून था। अब ये पता चलना चाहिए कि वो खून इंसान का है या फिर किसी जानवर का। पेड़ पर से जो खून के सैंपल आप लोग लेकर के आए हैं वो खून किसी जंगली जानवर का नहीं है, एक इंसान का। क्या? इंसान का खून? हाँ, लड़की का। ये खून एक लड़की का है। लड़की का खून? लेकिन लड़की का खून पेड़ पे कैसे है? भाई ये तो अब आप लोग ढूंढिए, मुझे जो पता चला मैंने आप लोगों को बता दिया। सर मतलब ये लड़की कहीं ऊपर से गिरी है पेड़ पर और पेड़ पर इसका खून लग गया। लेकिन अगर कोई लड़की ऊपर से गिरी है फिर वो जख्मी हालत में गायब कहाँ हो गई? क्योंकि अब तक जंगल के किसी भी हिस्से में ना तो हमें किसी का खून मिला है और ना ही कोई लाश। सर
हाँ प्रणय, उस जंगल के इलाके का नक्शा मिल गया सर। नक्शा मिल गया? हाँ सर। चलो दिखाओ। सर ये जंगल की दाई ओर हाई स्काई पैराग्लाइडिंग स्कूल। जंगल की दाई ओर 2 किलोमीटर पर पैराग्लाइडिंग स्कूल। पैराग्लाइडिंग स्कूल तो हो सकता है कोई पैराग्लाइडिंग करते वक्त ऊपर से नीचे जमीन पर गिर गया हो। इस पैराग्लाइडिंग स्कूल में जाकर पता लगाना पड़ेगा क्या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या। हेलो सर, मैं इस पैराग्लाइडिंग स्कूल का चीफ इंस्ट्रक्टर हूं सर, रोहन। कहिए सर, आपकी क्या मदद कर सकता हूं? रोहन, हम लोग सीआईडी से आपसे कुछ सवाल पूछते हैं। सीआईडी? आइए सर, क्या बात है सर? दरअसल पास के एक जंगल में एक पेड़ पर हमें एक लड़की का खून मिला। क्या बात कर रहे हैं सर, पेड़ पर खून? जी हाँ, और हमें शक है कि कोई लड़की ऊपर से पेड़ पे गिरी थी। तो क्योंकि आपका यह स्कूल जंगल के बिल्कुल पास है तो हमने सोचा आप ही से पूछ लें, क्या पिछले कुछ दिनों में किसी का एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट? हाँ। आपके हाथ पे चोट लगी हुई है, काफी खून जम गया है। हाँ सर, वो मैं एक्चुअली आपको बताने वाला था। मैं वो तो बताइए। हाँ सर, वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ एक ऐसा एक्सीडेंट तो हुआ था। किसका? एक लड़की थी, पैराग्लाइडिंग करने आई थी। मैं खुद उसके साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था सर। हाँ तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा सर, लेकिन जैसे ही हम जंगलों के ऊपर से गुजरने लगे तो अचानक से उस लड़की ने अपनी सेफ्टी जैकेट का बकल खोल दिया सर, और नीचे कूद गई। नीचे कूद गई? हाँ सर, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है सर कि वो आत्महत्या करने के लिए ही पैराग्लाइडिंग कर रही थी। आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की? की सर, बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है सर। ये लड़की कौन थी, उसके डिटेल्स तो होंगे आपके पास? हाँ सर, अभी अभी लिखा। सुमित देखना कहाँ है। ये इसका नाम नैना है सर, और ये इसकी फोटो आईडी है। ये लड़की क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं सर, ये तो वही लड़की है ना जिसने हमें जंगल से फोन किया था। हाँ, लेकिन मिस्टर रोहन, ये लड़की तो जिंदा है। सर अब ये जिंदा है या मर गई ये तो पता नहीं, पर उस दिन ये ऊपर से गिर गई थी और तब से गायब है। नैना जिंदा है या नहीं ये तो जंगल से ही पता चलेगा। निशान तो यहाँ आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। जंगल को देख के लगता भी नहीं कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अरे निखिल, मैं जाने कहाँ कहाँ जाके फंसते रहते हो। चलो कहीं वहां पे कुछ हो सकता है श्रेया, सवाल के जंगली जानवर भी हो सकते हैं।
Oh no. Shoot! 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 Lash. लाश की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। कपड़े से तो ये लाश किसी लड़की की लगती है। शेजर चेक करो। लाश तो बहुत बुरी तरह से चलने लगी, चेहरा भी बिगड़ गया है। लगता है 2-3 दिन पुरानी लाश है, ऐसे तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। देखो जरा कोई आइडेंटिटी है क्या बड़ी। नहीं सर, कोई आईडी प्रूफ नहीं है। जंगल में कौन हो सकती है? सर कहीं ये वही औरत तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? नैना तो जिंदा, शायद ये वही होगी जो पेड़ से गिरी। हीरे की अंगूठी? सर लेडीज अंगूठी लगती है। एक काम करो, लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो, शायद पता चल जाए ये लड़की कौन है और ये अंगूठी किसकी है। आप लोगों का अंदाजा एकदम सही था, पेड़ पर जो खून मिला था वो इसी लड़की का था। क्या? तो आसमान से जो लड़की गिरी थी वो ये थी? और इसकी मौत लगभग 4-5 दिन पहले हुई है। और एक बात, इसके इन कपड़ों से हमें 2 लोगों का खून मिला है। क्या? 2 लोगों का खून? हाँ, एक खून तो इसी का है, लेकिन दूसरा खून किसका है वो पता नहीं। एक और खास बात, इस लड़की के स्किन के टिश्यूज में हमें खास किस्म का केमिकल मिला है। केमिकल? कैसा केमिकल? टायरिन। और ये टायरिन नाम का केमिकल ड्रग्स या दवाइयां बनाने के काम में आता है, और ये आसानी से नहीं मिलता है। दवाई बनाने वाली कंपनियों को भी ये केमिकल लेने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। तो इस लड़की का किसी न किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर फिर तो ये लड़की अक्सर दवाइयों की फैक्ट्री में जाती होगी या फिर वहां काम करती होगी। तो अब क्या करें सर? शहर की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पूछताछ करते हैं, पता लगाना होगा कि कहीं की कोई एम्प्लॉई पिछले कुछ दिनों से गायब है क्या। मगर रोहन तो कह रहा था कि नैना पैराग्लाइडिंग करते समय ऊपर से कूद गई, लेकिन यहां तो हमें किसी और की लाश मिली। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह है कि हमें रोहन से जाकर पूछना होगा कि उसने हमसे झूठ क्यों कहा। वो जो टेक ऑफ के समय की तुम्हारा थोड़ा सा बैलेंस में प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब हो जाए। अरे सर आप लोग फिर यहाँ? तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। नैना के बारे में कुछ पता चला सर? इतने भोले मत बनो, पहले ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों कहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जो भी कुछ कहा था वो झूठ था, जबकि मैंने आपसे जो भी कुछ कहा है सब सच है सर। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, और पहले भी आपने हमसे झूठ कहा था कि नैना आप पैराग्लाइडिंग करते हुए ऊपर से कूद गई थी। ये यकीनन सच है सर, वो नैना ही थी, यही सच है। अच्छा, अगर ये सच है तो मेहरबानी करके ये भी बता दो कि जिस जगह पर तुमने कहा था कि नैना ने छलांग लगाई थी उस जगह पर नैना की बजाय किसी और लड़की की लाश क्यों मिली हमें? क्या? किसी और लड़की की लाश? कौन लड़की? अब तक इसका पता नहीं चला है, लेकिन ये पक्का है कि वो नैना नहीं थी। अब आप बताइए कि सच्चाई क्या है। सर मैंने आप लोगों से जो भी कुछ कहा है वो सब सच है सर, और अगर आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है सर तो यहाँ ये सुमित, सर ये सुमित है सर, ये भी यहीं पे काम करता है और इसे सब कुछ पता है सर। जब उस दिन नैना नहीं मिली तो मैंने इसको सब कुछ बताया था सर, और उसके बाद पुलिस स्टेशन हम लोग साथ साथ गए थे कंप्लेंट करने सर, आप इससे पूछ सकते। तुम यहीं रुको, बताओ रोहन सच कह रहा है सर, उसने मुझे नैना के बारे में तभी बताया था सर। बताने से क्या होता है, तुमने नैना को देखा था
टेक ऑफ पॉइंट से मैंने अपने आंखों से नैना और रोहन को टेक ऑफ करते हुए देखा था सर। पूरे यकीन के साथ कह सकते हो कि वो नैना ही थी? हाँ बिल्कुल सर। अगर नैना सचमुच पैराग्लाइडिंग करते समय गिरी है तो फिर हमें उसकी जगह पे किसी और लड़की की लाश कैसे मिली? और फिर ये नैना है कहाँ पे? उस दूसरी लड़की की पहचान होना जरूरी है। और नैना, नैना कहाँ रहती है? नैना पैराग्लाइडिंग करते हुए कूद गई और बच गई, और उसने हमें फोन करके बुलाया। लेकिन वो कैसे बच गई, उसे बचाया किसने, और उसने हमें जंगल में क्यों बुलाया? तो ये नैना आप खुद ही गायब है, किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड भी ढूंढ रहा है उसे। शायद उसके घर से कोई सुराग मिले। लगता है बहुत हड़बड़ी में भागी। पूरा घर अच्छे से चेक करो। सारा सामान लेकर फरार हो गई। इसका मतलब इस मर्डर में जरूर उसका कोई ना कोई हाथ है। हाँ सर। ये देखिए, इस ड्रॉअर में से ये नक्शा मिला है। ये तो उसी जंगल का नक्शा है जहां पेड़ पर खून मिला। और सर ये नक्शा तो पैराग्लाइडिंग स्कूल का है। अरे दोनों नक्शों पर निशान बनाए हुए हैं, लेकिन ये नक्शे नैना के पास कैसे, और उसे इनकी क्या जरूरत पड़ गई? सर अब तक हम 6 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में पता कर चुके हैं जहां टायरीन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी, हमें मैनेजर से मिलना है। वो रही। जी कहिए। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए, मैं आता हूँ। नहीं मैनेजर, हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। CID? जी। क्या आपके स्टाफ में ऐसी कोई लड़की है जो 5-6 दिनों से काम पे नहीं आ रही है? क्या बात क्या है सर? एक्चुअली जंगल से हमें एक लड़की की लाश मिली है, और हमें ये पता चला है कि वो ऐसे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया करती थी जहाँ पे टायरिन का इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ होता है ना? जी सर। सर पिछले हफ्ते हमारे कंपनी के लोगों की एक टीम पिकनिक के लिए गई थी पूना, तो वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? हाँ सर, उनमें से एक लेडी स्टाफ का वहाँ बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। नाम क्या था उनका? जूही। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे था? सर हमें पता चला कि वो किसी पहाड़ की चोटी से गिर गई थी, और उस पहाड़ की ऊंचाई इतनी थी कि उसकी लाश आज तक नहीं मिली सर। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरी बात है सर। लड़की ऊपर पहाड़ से गिरी और उसकी लाश भी नहीं मिली। अंकल, जिस लड़की की लाश हमें जंगल से मिली है, कहीं वह जूही तो नहीं? इस जूही का डिटेल्स ले लो और इनके घर वालों को फॉरेंसिक लैब बुलाओ DNA टेस्ट के लिए। पता चल जाएगा लाश किसकी है। रिपोर्ट्स क्या कहते हैं सर उनकी? बस जूही के माँ बाप का DNA इस लड़की से मैच होता है। इसका मतलब बॉस, ये लाश जूही की ही है। क्या हुआ? देखिए मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे। अगर आप लोगों की इजाजत है तो नो? जी पूछिए सर। जरा बताइए, जूही जब ट्रिप पर गई और उसके बाद यह हादसा हुआ, तो उस बीच क्या आपका जूही के साथ कोई कांटेक्ट हुआ था, बात हुई थी? मेरा मतलब है कोई फोन वगैरह? हाँ, एक
1 जुलाई को जूही से मेरी बात हुई थी, मुझे बोली थी वो कल वापस आ रही है। लेकिन 2 जुलाई को जब वो घर वापस नहीं आई तो मैंने उसको फोन किया, उसका फोन बंद था। फिर मैंने उसके बॉस को फोन किया, फिर उसके बॉस ने मुझे बताया कि क्या अचानक जूही का एक्सीडेंट हो गया। सर हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, वो पहाड़ से गिरी थी, उस वक्त उसकी बॉडी मिली ही नहीं। अच्छा क्या जूही का किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था, कोई दुश्मनी? क्या आपको किसी पर शक है? क्या उसने कुछ चाहे दिनों? हाँ, वो बदमाश जूही को अपने प्रेम के जाल में फंसाना चाहता था। नाम क्या उस आदमी का? हमें उसका नाम नहीं मालूम। क्या उस आदमी को आपने पहले कभी देखा है? नहीं, लेकिन इतना पता है कि जूही भी उसे प्यार करने लगी थी। सर उसी ने मारा है मेरी बेटी को, उसी ने मारा है मेरी बेटी को। जूही के बॉयफ्रेंड से मिलना पड़ेगा, जूही के बॉयफ्रेंड से। क्या आतारिका? सर ये अंगूठी जूही की नहीं है। अंगूठी जूही की नहीं है? अगर तारिका ये अंगूठी हमें जूही के लाश के पास से ही तो मिली, और फिर ये अंगूठी लड़कियों की तो है। सर मैंने ये अंगूठी उसके हर उंगली में पहना कर देखी, किसी भी उंगली में फिट नहीं बैठती, थोड़ी छोटी साइज की है ये। सर अगर ये अंगूठी जूही की नहीं है तो फिर किसकी है? हो सकता है फ्रेडी ये अंगूठी उस खूनी की ही हो। क्या ये अंगूठी जूही की है? ये अंगूठी जूही की नहीं है सर, ये अंगूठी जूही के पर्स में थी। जूही बिल्कुल ऐसी ही अंगूठी बनाना चाहती थी। मैंने पूछा ये अंगूठी कहाँ से मिली, तो उसने मुझे बताया कि उसकी कोई सहेली की है। वो क्या नाम, नैना नाम है उसकी सहेली का। नैना? क्या आप जानती हैं इस नैना को? नहीं सर, 2-3 बार जूही के मुंह से नैना का नाम सुना था, लेकिन कभी उनसे मिली नहीं। शायद उसकी कोई सहेली थी। नैना, जूही और नैना एक दूसरे को जानती थी। पता लगाना पड़ेगा ये दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और कैसे जानते थे। और ये पैराग्लाइडिंग स्कूल बहुत उड़ लिया इन्होंने आसमान में, जमीन पर उतारो, अब उतारो इन्हें। इस फोटो को गौर से देखे, क्या इस लड़की को आप पहचानते हैं? जूही नाम है इसका, जूही। जानते हो इसे? ध्यान से देखो, शायद ये लड़की कभी तुम्हारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में आई हो। नहीं सर, ये लड़की तो हमारे पैराग्लाइडिंग स्कूल में कभी नहीं आई। कभी नहीं आई थी? नहीं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती, पूछताछ के लिए हम जब चाहे बुला लेंगे तुम्हें। निकलो। नैना से फिर से बात हुई? नहीं सर, मैंने उसको कई बार कॉल किया पर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। आखिरी बार कब और कहाँ मिले थे तुम नैना से? सर आखिरी बार मैं उससे जंगल में मिला था, जहाँ से हमने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया था। सर कल नैना ने रात में मुझे फोन किया था। तो फिर ये बात पहले क्यों नहीं बताई? चुप क्यों रहे तुम?
क्या बात हुई उससे? सर वो कह रही थी कि वो बहुत टेंशन में है और कुछ कहती इससे पहले ही फोन कट हो गया। मैंने भी उसे कई दफा फोन मिलाने की कोशिश की मगर उसका नंबर ही नहीं मिल रहा था। सर कितने बजे आया था फोन? शाम को 7 बजे। सर हो सकता है ये नैना किसी खतरे में हो और इसलिए उसने अपने दोस्त अनुज को फोन किया हो पर किसी वजह से बात पूरी ना हो पाई हो। पता लगाना पड़ेगा दया नैना ने कहां से फोन किया था अनुज को। सर नैना का लास्ट कॉल लोकेशन यही था। अगर नैना यहाँ पे है तो हमसे बच नहीं सकती। एक काम कर चल जा। नैना दिखी मुझे। कहाँ पे? आगे की तरफ है सर, पश्चिम दिशा में। पश्चिम? ठीक है हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। ये बताओ कि वो अकेली है? नहीं सर, उसके साथ एक लड़का है। साथ में भी कोई है? एक काम करो तुम नजर रखो हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। यस सर। सर नैना के साथ जो लड़का है ना इसे मैंने पैराग्लाइडिंग स्कूल में देखा है सर। राजू दोनों हमारे हाथ से बचने नहीं चाहिए, संभाल के। ओह माय गॉड, सीआईडी, भागो! संभालो। मेरी तो अभी तो इधर थे, कहाँ गए दोनों? इस तरफ भी दिखाई नहीं दी, जमीन खा गई, आसमान निकल के आ रहे हैं, क्या खा सकते हैं? उस लड़के के बारे में कुछ पता चला जो नैना के साथ भाग रहा था जंगल में? सर वो लड़का नैना के साथ पैराग्लाइडिंग स्कूल में था सर। पैराग्लाइडिंग स्कूल में था? अच्छा, और क्या पता चला? उसका नाम राघव है और वो भी तभी से गायब है। और वो भी गायब है, इसका मतलब है वो नैना को मदद कर रहा है। दया जरूर उसका भी हाथ होगा इस खून में। हाँ सर, और शायद इसीलिए दोनों कानून से भाग रहे हैं। दया ये नैना जुई को मारेगी क्यों? पर अगर नैना ने जुई का खून किया भी है फिर क्यों किया, क्या वजह हो सकती है? सर अगर हम ये केस एक बार फिर से देखते हैं तो करण और नैना ने पहले हमें जंगल से फोन करके बताया कि वहां उस पेड़ पे खून लगा हुआ था। पैराग्लाइडिंग के इंस्ट्रक्टर्स रोहन और सुमित के मुताबिक नैना ने खुद पैराग्लाइडर से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी मगर वो बच गई और बाद में हमें वहां जंगल में नैना के बजाय जूही की लाश मिलती है। वही तो दया, ये नैना और जूही इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध जरूर है। सर नैना और जूही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो कैसे? सर 4 साल पहले दोनों एक ही कॉलेज में थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे? अगर सर दोनों इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर नैना ने जूही का खून क्यों किया होगा? सर शायद इसकी वजह उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा। हाँ मगर कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं हो सकता, वरना कोई लड़की अपनी सहेली का इस तरह से खून क्यों करेगी? अपनी सहेली का खून क्यों करेगी? नैना और जूही इन दोनों के कॉलेज में जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर यही वो कॉलेज जहां पे नैना और जूही ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। 4 साल पुरानी बात है, कोई ना कोई तो पहचानता ही होगा। इनसे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इस कॉलेज में क्या बात क्या है? आप जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इन्हें पहचानते हैं आप लोग? हाँ याद आया, ये जूही है और ये नैना, ये दोनों इसी कॉलेज में साइंस के स्टूडेंट थे शायद 3-4 साल पहले। सर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे
कॉलेज में हमेशा साथ रहे थे। क्यों सर, कोई सीरियस बात तो नहीं? बात तो थोड़ी सीरियस है। एक्चुअली किसी ने जूही का खून कर दिया है। हमें उसकी लाश जंगल में मिली है। उसी की तहकीकात के सिलसिले में हम लोग यहाँ कॉलेज में आए। इनके बारे में कोई खास चीज़, कोई खास बात जो आप लोगों को याद हो? हाँ सर, एक दिन मैंने इन दोनों को झगड़ते हुए देखा था सर। मेरी क्या गलती है नैना? गलती तुम्हारी है जूही। तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मुझे नहीं पता था कि तुम अनिस से प्यार करती हो, समझे तुम? तुम्हें नहीं पता था? मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अनिस को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं पता था? और रियली, अच्छा लगना और किसी से प्यार करना दो अलग अलग बातें हैं। और वो मुझे भी अच्छा लगता है, और मेन बात तो ये है कि अनिस मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। क्या ये तुमसे किसने कह दिया? अनिस ने खुद मुझे प्रपोज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया जूही, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये अनिश इसी कॉलेज में पढ़ता था? वो तो नहीं पता सर। थैंक यू वेरी मच। अनिश, दोनों लड़कियां इस अनिश से प्यार करती थी। तो लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये अनिश इसी कॉलेज का है या फिर कहीं बाहर का है? कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में देखते हैं, वहां से कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अनिश की फाइल मिल गई। मिल गई? यस सर। गुड। अनिश 2010 को एडमिशन लिया और 2010 को कॉलेज छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है सर? हाँ, 10 जून 2010 को एडमिशन लिया और 12 जून 2010 को कॉलेज से निकाल दिया गया। सर मतलब ये कॉलेज में सिर्फ 3 दिन था और इसीलिए कॉलेज में इसके बारे में किसी को पता नहीं। इसकी शक्ल देख के लगता नहीं है किसने नैना की किडनैपिंग और जूही का खून किया है। सचिन, जरूरी नहीं जो आदमी जैसा दिखता है वैसा हो भी। 4 साल पहले ये भोला भाला दिखता था, अब देखना है कि ये अभी कैसा दिखता है। दाढ़ी बनाओ। बनी थी। ये एसीपी साहब स्केच आर्टिस्ट को लेके बनवा क्या रहे? सर, जरूर कोई खास बात होगी, तभी तो एसीपी सर ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। सर कॉलेज से मिले अनिश के एड्रेस पे जा गया है सर, तो पता चला अनिश वहां नहीं रहता सर। 3 साल पहले उसने उधर किसी और को भेज दिया। सर स्केच रेडी। थैंक यू सर। तो यही है वो शख्स? हाँ, अब समझ में आया कौन है खूनी। वक्त आ गया है इस खूनी के चेहरे से नकाब हटाने का। पैराग्लाइडिंग में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग बैलेंस कर लोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे पैराग्लाइडिंग। और दूसरी बात, ये जो ब्रेक होता है तो ब्रेक कंट्रोल करता है पैराग्लाइडिंग। एक मिनट सर, आप फिर लोग यहाँ आए हो? क्या करें मिस्टर सुमित, आपने हमें आने पे मजबूर कर दिया है। सर मैं कुछ समझा नहीं। सर समझाते हैं, पहले ये बताओ कि झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? कौन सा झूठ सर, मैंने कोई झूठ नहीं कहा। मैंने तो हमेशा आपकी मदद करने की कोशिश की है सर। मदद नहीं, आपने हमें गुमराह किया था। तुमने ये कहा था कि तुम जूही को नहीं जानते, बल्कि सच ये है कि तुम जूही को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कौन जूही? मैं किसी जूही को नहीं जानता हूँ सर। बंद करो ये नाटक। सच तो ये है कि तुम्हारे स्कूल में जूही पैराग्लाइडिंग सीखने आई थी, और पैराग्लाइडर से जिस लड़की की मौत हुई थी वो जूही थी, नैना नहीं। क्या हुआ, बोलती बंद?
अब तुम यहाँ से भागोगे, हम तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, देखना है? भागो भागो भागो। अरे मुंह क्या देख रहे, पकड़ो उसे। सर, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं मानता हूं कि मैंने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये मेरा प्लान नहीं है सर। मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि खूनी कौन है। क्या? हाँ, तो सिर्फ ये बता, वो खूनी छुप के कहां बैठा हुआ है? कहां बैठा छुप के? यही जगह बताइए, यहां छुप कर बैठा है हमारा खूनी। चलो अंदर घुस के देखते हैं। तुम और फ्रेंड इस तरफ जाओ, चलो पुरली यहां देखते हैं। टांग रखा है, सिर्फ इस रस्सी पे एक गोली चलानी है और तुम्हारा खेल खत्म। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जाने दो मुझे। भूल गई, 4 साल पहले कॉलेज में जिस तरह से तुमने और जूही ने मेरी रैगिंग की थी, पूरे कॉलेज में मुझे बदनाम कर दिया था। उस रैगिंग की वजह से तुम मुझे इस रैगिंग की वजह से मारना चाहते हो? जी हाँ, उसी के लिए मैंने जूही को मारा और उसी रैगिंग के लिए मैं अब तुम्हें मारूंगा। जिस तरह से तुमने दुनिया की नजरों में मुझे नीचे गिराया था, उसी तरह से तुम दोनों को, अब तुम्हारे गुरूर को मैं नीचे पटक के मारूंगा। सो मिस नैना, गुड बाय। Thank you.
तो बताओ रोहन उर्फ अनीश, क्यों किया तुमने ये सब? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी जूही और नैना के साथ? 4 साल पहले इन लोगों ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया था सर, मेरी रैगिंग की थी। पूरे कॉलेज के सामने इन लोगों ने मुझ पर ये झूठा आरोप लगाया था सर, मैंने इन दोनों को छेड़ा। इन लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक मजाक था सर, रैगिंग, लेकिन उसकी वजह से प्रिंसिपल साहब ने मुझे कॉलेज से निकाल दिया था सर, और किसी भी कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिला। मेरी जिंदगी, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया था सर। कॉलेज से निकलने के बाद मैंने इन दोनों से बदला लेने की ठान ली सर, पैराग्लाइडिंग सीखी, अपना नाम बदला, अपनी पहचान बदली, और 3 सालों बाद जब मैं इनसे मिला तो इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना सर, पर मैं इन लोगों को नहीं भूला था। मैं जूही और नैना के करीब आ गया, मैं जूही को मारकर उसके खून का इल्जाम नैना पर डालना चाहता था। जूही के एक्सीडेंट का नाटक क्यों किया तुमने? ये जूही का ही आइडिया था सर, दरअसल वो सचमुच मुझसे प्यार करने लगी, उसे ये मालूम था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे, इसीलिए सर उसने पुणे की खाई में गिरकर अपने मरने का झूठा नाटक किया ताकि उसके घर वालों को लगे कि वो मर चुकी। और इसलिए तुमने पैराग्लाइडिंग करते समय जूही को ऊपर से गिरा के सच में मार डाला, और फिर जूही की लाश के पास तुमने नैना की अंगूठी डाल दी ताकि जूही के खून का इल्जाम नैना पर आ जाए, है ना? हाँ सर, और इस काम में करण ने मेरी सहायता करी सर। क्या करण भी तुमसे मिला हुआ था? नैना, अगर तुम बेकसूर थी तो हमसे भाग क्यों रही थी? क्योंकि मैं रोहन के खिलाफ सबूत इकट्ठे करना चाहती थी। मैं जानती थी कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो मैं अपनी बेगुनाही कभी साबित नहीं कर पाऊंगी, और इस काम में राघव ने मेरी मदद की, लेकिन इससे पहले हम दोनों कुछ कर पाते इसने हम दोनों को पकड़ लिया। बड़ा टेढ़ा दिमाग चलाया तुमने, पहले जूही को पैराग्लाइडर से नीचे फेंक कर मार दिया, और इस नैना को पेड़ से लटका कर मारना चाहते थे, हा? अब तो लटकोगे तुम, क्योंकि तो अदालत तुम्हें फांसी की सजा ही देगी, फांसी की सजा। इलेक्ट्रिक फेंसिंग हो गई है जतिन, हाँ महेश साहब, यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। पिछले महीने 3 लोगों की मौत हो गई थी उस चीते की वजह से, उम्मीद है अब यहाँ लोग सुरक्षित रहेंगे। हाँ क्या हुआ, किसी की आवाज सुनी क्या? नहीं तो जरूर तेरा बहम होगा। हाँ वहम ही होगा, क्या थकान हो गई, अब चल के घर के आराम से सोऊंगा। क्या हुआ? अरे सुन तो, अरे क्या हुआ सुन तो, अरे
सर सर ये जंगल तो बहुत बड़ा है, या उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? अरे यार अभी जंगल के अंदर घुसे भी नहीं, तुमने रोना शुरू कर दिया। जंगल चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, चार चार CID ऑफिसर्स है यहाँ, उस लड़की को ढूंढेंगे भी और बचाएंगे भी। तुम और श्रेया इधर जाओ, हम लोग इस तरफ देखते हैं। चलो श्रेया। सर हाँ? सर मैं यही रुक जाता हूँ, यहाँ पे नजर रखता हूँ। ठीक है, कोई जानवर दिखाई पड़े तो बता देना। सर मैं आ रहा हूँ। मैंने सुना है इन जंगलों में बहुत शेर चीता और हाथी होते हैं। ठीक सुना है। सर अगर शेर आ जाए तो? शेर आ जाए तो पहले बोलना अर्ज किया है फिर बाबा। बाबा? सर मैं समझ गया, आप शेर को शेर सुनाने की बात कर रहे थे ना। उधर से कुछ आवाजें आ रही है। हाँ सर आ रही है। चलो रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। सर लगता है गोली वहां से चलने वाली है। सर क्या हो गया आपको? एक सेकंड रुकिए, मैं दया सर को फोन करता हूँ। अरे यार दया सर के फोन करके क्या बोलोगे कि अभिजीत के फोन का रंग लाल नहीं गुलाबी है। गुलाबी? सर आपका खून गुलाबी है? ये खून नहीं है, ये पेंट बॉल है। लगता है जंगल में पेंट बॉल का गेम खेला जा रहा है। पेंटबॉल खेल रहे हो तुम लोग? हाँ मगर आप कौन? हम लोग CID से हैं। तुम में से किसने हमें फोन किया था? एक लड़की की जान खतरे में? नहीं सर हम लोग तो यहाँ पिकनिक मनाने आए सर, तुमको CID को कॉल करेंगे सर। तुम लोगों के साथ यहाँ कोई लड़की भी है? नहीं, नहीं सर हमारे साथ कोई लड़की नहीं है। ठीक है संभाल के खेला करो यार, इधर उधर मार देते हो। अगर इन लोगों ने फोन नहीं किया फोन किया किसने हमें? हमें किसी औरत ने फोन करके कहा था कि उसकी खुद की जान खतरे में है। अब ये क्या चक्कर है? सर यूनिफॉर्म से लगता है कि ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। इसके शरीर पे जो घाव है उसे देख के ऐसा लगता है कि इसे जंगली जानवर में इस पे हमला किया। सर एक फॉरेस्ट ऑफिसर को अच्छी तरह पता होता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, फिर ये जंगली जानवर के शिकार कैसे हो गए? वही तो, अगर किसी जानवर ने मारा इसे तो जानवर ने लाश को खाया क्यों नहीं, मार के छोड़ क्यों दिया?
सर हो सकता है ये खून किसी इंसान ने किया, लेकिन हमें गुमराह करने के लिए ऐसे निशान छोड़ दिए जिससे ये लगे कि किसी जानवर ने अटैक किया है। हाँ ये बात तो है, इसके शरीर पे कोई अलग तरह का चोट का निशान भी नहीं दिख रहा है, जेब भी खाली है, मोबाइल फोन नहीं, पर्स नहीं। सर कहीं ये खून लूटपाट के इरादे से तो नहीं किया गया? अब लूटपाट के लिए किसी इंसान ने इसका खून किया है या फिर किसी जंगली जानवर ने, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में फोन करो, तब तक मैं अभिजीत को फोन करता हूँ। लगता है हमारे साथ मजाक किया गया है, वहां कुछ लड़के पेंट बॉल खेल रहे हैं बस। अभिजीत यहाँ एक लाश पड़ी है, लगता है कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है। किसी जानवर ने मारा है क्या? शायद। बॉडी वैसी की वैसी है, खाया नहीं। यही बात समझ में नहीं आ रही है बॉस। सर हमें पेंट बॉल खेलने वाले ग्रुप को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि यहाँ पे एक जंगली जानवर घूम रहा है। हाँ। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया ना? हाँ वो श्रेया फोन कर रही है। ये श्रेया कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। श्रेया? श्रेया? सर नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा, नेटवर्क ढूंढने गई होगी। पंकज एक काम करो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो, तब तक हम श्रेया को ढूंढते हैं। ओके सर। श्रेया, 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 भी ठीक वैसे ही मारा है जैसे उस फॉरेस्ट ऑफिसर को। इस जंगल में हो क्या रहा? क्या ये ग्रीन कलर क्या है? पेंट तो नहीं लगता, कुछ और ही है। हाँ ये क्या है? ये तो डॉक्टर सारंग के ही बताएंगे। अभी श्रेया की जान को खतरा हो सकता है। श्रेया, 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 अरे यार क्या सर, अभिजीत सर को इतनी देर क्यों लग गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सर, सर, सर श्रेया मिली? नहीं अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली? कहाँ गई होगी सर? आप यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर हैं? जी हाँ सर, मेरा नाम हिमांशु है। हिमांशु हमें यहाँ जंगल में दो लाशें मिली है, एक तो शायद आपके डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर की है और दूसरे जंगल में पेंटबॉल खेलते किसी लड़के की। क्या वो मर गया? सर उसके साथ का जो था वो हमारे डिपार्टमेंट का था, उसे हमने ही अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन सर ये सब क्या हो रहा है? इस जंगल में कोई जानवर आ ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है सर। नामुमकिन? सर एक्चुअली पिछले महीने यहाँ पर 3 हादसे हुए थे, उसके बाद पूरे जंगल में इलेक्ट्रिक फेंसिंग करवाई थी ताकि यहाँ से जानवरों को दूर रखा जाए। लेकिन सर यहाँ जंगली जानवर ही क्या, यहाँ कुत्ता बिल्ली भी नहीं आ सकते। अरे बाप रे, इसका मतलब ये दो खतरनाक खून एक आदमी ने किए। पंकज एक काम करो, नेटवर्क के एरिया में जाओ, बाहर जाओ और सारुंगे साहब को फोन करके बोलो कि हम लोग 2 लाशें भेज रहे हैं। ओके? ये आवाज कैसे? सर ये किसी जंगली जानवर की आवाज तो नहीं है। आप जरा पंकज के साथ रहिए, हम लोग देखते हैं। चलिए। सुना तो दया सर का फोन लग रहा ना, अभिजीत सर का, श्रेया का फोन ही बंद आ रहा है सर। वैसे भी मोती डूंगरी का जंगल बहुत घना है, शायद वहां पर नेटवर्क ही ना हो,
बड़ी अजीब बात है सर, अगर उस जगह पर फोन का नेटवर्क नहीं है तो उस लड़की ने वहां से हमें फोन कैसे कर दिया? सर, हो सकता है वो फोन कॉल कोई साजिश हो हमारे ऑफिसर्स को फंसाने की। पूर्वी, काम करो। उस लड़की ने जिस नंबर से फोन किया था पता लगाओ वो किसका है और कहां से फोन किया था। हेलो जी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर पूर्वी बोल रही हूँ। हमारे ब्यूरो में अभी कुछ देर पहले एक कॉल आया था, नंबर लिखिए 1555-0400-90। आप बता सकते हैं नंबर किसका है और ये फोन कहाँ से आया था? जी ओके, और ये नंबर कहाँ का है? ठीक है, थैंक यू सर। सर, जिस लड़की का फोन आया था उसका नाम जेनी है। जेनी? और फोन कहाँ से आया था? सर, हाईवे नंबर 25 से। हाईवे नंबर 25? हाईवे नंबर 25 तो मोती डूंगरी जंगल से दूर है। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, कहीं हमारे ऑफिसर्स के साथ कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होने देंगे हम फ्रेडी, हमारे लोगों को कुछ नहीं होने देंगे। पता लगाना पड़ेगा ये जेनी रहती कहाँ है और करने क्या गई थी हाईवे नंबर 25 पर। क्या? नहीं, इसके लिए आपको मेन रोड पे जाना पड़ेगा। आ? अच्छा ठीक है, मैं वहां जाकर फोन करके आता हूँ, आप यही रुकना, कहीं जाना मत। जी अभी यहाँ पे कोई तो था, कहाँ गया? चाय काका, यहीं कहीं आसपास होगा, तुम उधर देखो मैं इधर देखता हूँ। यहाँ
डोंगरी के जंगल में, जल्दी एक एम्बुलेंस भेजिए। आइए सर, क्या पियेंगे? कॉफी? नहीं, हम यहाँ कॉफी पीने नहीं आए। तो कोई बात नहीं सर, चाय पी लीजिए। यहाँ की ग्रीन टी लोगों के दिलों को बहुत सुकून पहुँचाती है। फिलहाल तो हम समाज को जुर्म से सुकून दिलाने की कोशिश में लगे। सीआईडी। सीआईडी? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। अक्सर लोग हमें नहीं पहचानते। अच्छा, आपके मैनेजर साहब कहाँ, जरा बुलाओ। मैनेजर साहब रिसेप्शन पे आइए ना सर, आइए। सर सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। सीआईडी यहाँ पे? क्या हुआ सर? आपके कैफे में जेनी नाम की एक लड़की काम करती है। अब सर जेनी काम करती है? नहीं, काम करती थी। वो तो पिछले 2 महीने से लापता है। क्या 2 महीने से लापता? तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि वो गई कहाँ है? सर बहुत पता करने की कोशिश की, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो में रिपोर्ट भी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन सर आप जेनी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले हमें फोन किया, हमसे मदद मांगी। उसने कहा कि उसकी जान को खतरा है। क्या? तो सर आप जाकर उसकी जान क्यों नहीं बचाते? क्योंकि झूठ कहा उसने हमसे। उसने कहा कि वो मोती डुंगरी के जंगल में, जबकि उसने हाईवे नंबर 25 से हमें फोन किया था। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, आपने कभी जेनी के मुंह से मोती डुंगरी के जंगल का नाम सुना था? नहीं सर, जेनी के मुंह से कभी मोती डुंगरी के जंगल या फिर हाईवे नंबर 25 का नाम नहीं सुना। कभी उसने सीआईडी के बारे में कोई बात की? नहीं सर, कभी नहीं। किसी के साथ कोई दुश्मनी? कभी किसी कस्टमर या स्टाफ मेंबर के साथ कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। थैंक यू। ये जेनी किसी की साजिश का शिकार हुई या फिर सीआईडी को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही, ये तो मोती डुंगरी के जंगल जाके ही पता चलेगा। पता नहीं इस जंगल में मौत का सिलसिला कब खत्म होगा। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे होने वाली मौतों का राज पता चल जाएगा। अब ये केस सीआईडी के हाथ में आ गया। आराम से जाइए। अकेला हो गया था मतलब? अभिजीत सर, दया सर, श्रेया सब कहाँ गए? ये जंगल देखिए सर, ये बहुत घना जंगल है। यहाँ पे दो दो लाशें मिली है बहुत भयानक हालत में, और श्रेया श्रेया गायब हो गई है सर। अभिजीत सर और दया सर उसे ढूंढ रहे। ऐसे कैसे गायब हो गई? पता नहीं सर, शायद मोबाइल में नेटवर्क देखते देखते कोई ऐसे कोने में चली गई हो जहाँ नहीं जाना चाहिए था। जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था, देखे तो जंगल में ऐसी कौन सी जगह है। लेट्स गो। ये सब मेरी गलती है अभिजीत, मुझे श्रेया को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं कहाँ है, किस हाल में। खुद को दोष देने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि श्रेया गायब हो जाएगी। श्रेया को कुछ हो गया ना अभिजीत, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ नहीं होगा श्रेया को, हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसे।
श्रेया सुनी तुमने? चलो सर, आप लोग तुम लोग थे, हमें लगा वो खून ही है। सर दो दो खून किए उसने, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ होगा, भाग गया होगा। नहीं पंकज, हमें नहीं लगता, खूनी अभी भी जंगल में कहीं है। लेकिन टेंशन इस बात की है, श्रेया अभी तक नहीं मिली है। कोई बात नहीं सर, हम सब मिलकर ढूंढते, श्रेया जल्दी मिल जाएगी। पंकज, सारू के साहब को फोन कर दिया था ना तुमने? नहीं सर। क्यों? सर आपने कहा था कि लाशें भिजवा दो, तो मैंने वो कर दिया था सर। तुम भी ना पंकज, आधा अधूरा काम करते हो। सॉरी सर। खैर अभी श्रेया को ढूंढते हैं, चलो। Thank you.
सेठ मुझे अगले महीने छुट्टी चाहिए। क्यों? सेठ गांव जाना है। अभी होली पे तो गया था गांव। अरे सेठ होली तो 4 महीने पहले चली गई। वही तो कह रहा हूँ, 4 महीने पहले गया था, अब दिवाली पे जाना। मगर सेठ। अगर मगर कुछ नहीं, जो हमने कह दिया समझो उस बात को। आइए आइए साहब, चाय लेंगे आप? अरे नहीं नहीं, चाय रहने दो। तुम इस फोटो को ध्यान से देखो। साहब इस लड़की को तो नहीं देखा? क्यों, आपकी पड़ोसी या रिश्तेदार है? नहीं नहीं, दोस्त रिश्तेदार नहीं है, हम लोग सीआईडी से। हमें शक है कि इस लड़की को अगवा किया गया। अगवा? तुमने देखा इसे? नहीं साहब, मैंने ये मैडम को तो पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, अगर ये लड़की आसपास कहीं भी दिखाई देती है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा हुआ। ठीक है साहब। रंग की चीज तो बिल्कुल वैसी है ना, जैसे उस पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की लाश पे से मिली थी। लेकिन सर ये हो क्या सकता? जेल जैसा कुछ है। सर इधर कोई भाग के गया है। जल्दी कहाँ भाग गया? पिछली बार भी बहुत तेजी से गायब हो गया था। है कौन ये? रजत, तुम पंकज और निखिल के साथ इस तरफ देखो, हम यहाँ देखते हैं। सर। अभिजीत, दया, श्रेया, पंकज, चारों के फोन नहीं लग रहे, और अब तो निखिल और रजत की भी। सर, हम लोग हाईवे नंबर 25 से आ रहे हैं। वहां के हर दुकान हर ढाबे पे हमने जेनी की फोटो दिखाई, लेकिन कोई नहीं पहचानता उसे। कोई भी नहीं पहचानता? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनी ने जब हमें फोन किया तब वो चलती गाड़ी में थी किडनैपर्स के साथ, और उसने उनकी बातें सुन ली होगी कि वो लोग उसे मोती डूंगरी लेकर जा रहे हैं। जेनी के घर कौन गया है? पूर्वी गई है सर वहां पे। सर, सर जेनी की माँ का कहना है कि 2 महीने पहले आखिरी बार उनकी जेनी से फोन पे बात हुई थी। वो कॉफी शॉप से घर लौट रही थी और घर से बस 5 मिनट की दूरी पे ही थी। घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थी? फिर क्या हुआ? सर फिर वो घर लौटी नहीं। सर उसकी माँ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी की, पर कुछ फायदा ही नहीं। कमाल है सर, जेनी 2 महीने से किडनैप है, फिर भी उन्होंने पैसे वगैरह मांगने के लिए फोन तक नहीं किया। सर उसकी माँ का तो रो रो के बुरा हाल है, उन्होंने तो उम्मीद ही खो दी है कि जेनी कभी वापस घर लौटेगी भी। लौटेगी, जरूर लौटेगी जेनी, अपने घर जरूर लौटेगी। हम ढूंढ कर निकालेंगे उसे। देखी पूरा जंगल छान मारा सर, कहीं नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि खूनी उसे जंगल के बाहर लेकर गया। जंगल के कोने कोने में तो हम लोग घूम रहे हैं, न जाने मुझे क्यों लगता है कि इस जंगल में
कोई खुफिया जगह जिस पे हमारी नजर नहीं पड़ी। ओ, खुफिया जगह? कैसी खुफिया जगह सर? पता नहीं, लेकिन कोई तो ऐसा राज है जंगल में जिसने श्रेया को हमारी नजरों से ओझल कर दिया है। अभिजीत, ऐसा लगता है यहां से किसी को घसीट के ले जाया गया है। सर, कहीं श्रेया तो नहीं? हो सकता है। देखते हैं निशान कहां ले जाते हैं हमें। ये तो कोई और लड़की। सर, ये तो जेनी। जेनी जिसने ब्यूरो फोन किया था हमारी मदद मांगने के लिए। तुम इसे पहचानते हो? यस सर, जिस कॉफी शॉप में ये काम करती थी उसके मैनेजर ने हमें इसकी फोटो दिखाई थी। हमें पहुंचने में देर हो गई। लेकिन सर, मोबाइल कंपनी से पता चला था कि इसने यहाँ जंगल से नहीं बल्कि हाईवे नंबर 25 से फोन किया था। हाँ सर, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आता है। मतलब हाईवे पे फोन करने के बाद खूनी से पकड़ कर यहाँ पर लेके आया और यहाँ पर मारा। तीन तीन लाशें मिल चुकी हैं। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। सर, ये खूनी बहुत ही खतरनाक लगता है। अगर इसे जल्दी नहीं पकड़ा तो ना जाने कितनी तबाही मचा देगा। इसके चेहरे पे भी वैसी हरी चीज है जैसे पेंट बॉल खेलने वाले लड़के की बॉडी पे मिला था और पेट पे मिला था। अब ये तो डॉक्टर सालों के ही बता पाएंगे। अब जी, ये देखो इसके चेहरे पे ये जो स्किन है कुछ अलग अजीब सा हो गया है। एक आम इंसानों जैसा नहीं। कहीं ये इस हरी चीज की वजह से तो नहीं? गॉड, श्रेया तुम ठीक हो? कहाँ चले गए? हम लोग कितने परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं मिला तुम? मैं जानती हूँ, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम गई कहाँ थी? गायब कैसे हो गई थी तुम? मोबाइल का नेटवर्क ढूंढने के लिए मैं थोड़ा आगे चली गई थी। अचानक
मैंने आवाज सुनी। वो आवाज का पीछा करने के लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ी, तभी अचानक पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने देखा मैं एक काली गुफा में थी। My God, इसका मतलब और लोगों की जान भी खतरे में है। कहाँ भी ये गुफा? सर थक गई क्या? मुझे अजीब लग रहा है सर, गुफा इस तरफ है। रुक क्यों गई? ठीक तो श्रेया? हाँ? सर मुझे याद नहीं आ रहा है हमें यहाँ से कहाँ जाना है। हाँ? एक काम करते हैं, आसपास चारों तरफ देखते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.